किसने कहा है? भाई ने तुम्हें कहा है? नहीं, मैं खुद ही सोच रही हूँ कि शादी के बाद मुझे थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी प्यारी सिंपल और लाइफ दोस्त को नहीं खोना है। मगर मिमी, सब लोग ऐसा नहीं सोचते। सबको लगता है कि मैं इमैच्योर हूँ, स्टूपिड हूँ, डम हूँ। कोई ये नहीं सोचता कि मैं जैसे भी हूँ प्योर हूँ, सबसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे रो धोकर सिंपैथी लेना नहीं आता। शायद मेरी यही आदतें लोगों को अच्छी नहीं लगती। उम्मीद, इधर आओ, कम है ना? मेरी बात सुनो तुम गौर से, ठीक है? तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो, बहुत अच्छी बीवी हो, एक अच्छी बेटी भी हो, अच्छी कजन भी हो, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। अच्छी बहू तो नहीं हो ना? वो भी बन जाओगी, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। और देखना, तुम माँ का दिल जरूर जीत लो। चलो अब चाय पियो। पियो पियो, मैं देख लू तुम्हें। चीनी कितनी कम डाली है? नखरे खत्म नहीं होते तुम्हारे। घर में इतना सब कुछ हो गया है, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। कल रात से तुमने कहा था कि तुम बात करोगी पाशा साहब से, लेकिन कोई फायदा नहीं है बात करने का। समीर जा रहा है कनाडा तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए, पर तुम जानती हो कि समीर नहीं जाना चाहता, वो सिर्फ मेरे लिए जा रहा है, और मैं भी नहीं रह सकती उसके बगैर। तुम प्लीज कुछ करो उम्मीद, प्लीज। मैं फरजाद बात कर रहा हूं। फरजाद भाई, आप? हाँ, वो उम्मीद अपना मोबाइल मेरे ऑफिस में भूल गई थी। anyway, तुम क्या कह रही थी, जरा तफसील से बताना। कुछ नहीं फरजाद भाई, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा और समीर का भी बड़ा भाई हूँ ना, मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी फरजाद भाई। अच्छा एक और बात, इस बारे में उम्मीद को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें पता है ना, वो फैमिली को लेकर कितनी इमोशनल है, और इतने पर्सनल मैटर में उसको मेरी इन्वॉल्वमेंट अच्छी लगेगी या नहीं कुछ पता नहीं। ओके फरजाद भाई, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा बेफिक्र होके तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। ओके थैंक यू फरजाद भाई, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। यू आर वेलकम। अरे हाँ, ये आखिरी वाली लाइन तुम अपनी चाहिए थी कजन को बता सकती हो? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। देख ही लेता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज था मुझसे मिस हो गया। कहाँ है मेरी चैट? चंगेज खान कौन है? लेके जा रही हो? देखो मामा का दिल जीतना है। आगुचान कहती है कि जब दिल के रास्ते तक डायरेक्ट पहुंचना मुश्किल हो, तो मैदे के रास्ते को भी आजमा लेना चाहिए। हंसी का लग रहा है, चल चलते हैं। मां, आपके लिए। देखिए ना निगो मामा, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। क्या लाई हूं? माँ, उम्मीद ने अपने हाथों से सूप बनाया आपके लिए। मुझे सूप बनाना आता है? एंथनी ने ना मेरी हेल्प की है, लेकिन पक्का पूरे टाइम ना चम्मच मैंने ही लाया, प्रॉमिस। फिर तो इसको मुझसे दूर ही रखो। मैंने ड्रामों में देखा है तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा जरूर। मिलाया है ना,
प्यार, मोहब्बत और खुलूस। तुम तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन नहीं थी। अब से हो गई हो ना, इसलिए लड़ाई लड़ाई माफ करते और दोस्ती करते। कहीं तो प्रीत की तरह कोई साजिश तो नहीं कर रही हो? माँ बस कर दें, क्या प्रीत प्रीत कर रही हैं आप? आपने ज्यादा ही सीरियस ले लिया इन ड्रामों को। आपको पता है ना, रात को भाई भी इस बात पे नाराज हो रहे थे। मीमी, अगर तुम इस ड्रामे पे लोगों के कमेंट्स पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा कि लोग इसके साथ कितना रिलेट करते हैं, क्योंकि एक्चुअलिटी में उनके साथ ऐसा होता रहा है। देखो मामा, असल में बहुएं इसलिए ये सब कुछ करती हैं क्योंकि उनके क्योंकि सास अच्छी नहीं होती है। कुछ बोले कि शायद मेरी सास तो बहुत अच्छी है। ऐसा बोल रहे थे कि इन दोनों का ऐसा बॉन्ड होने वाला है जो बहुत क्यूट हो जाएगा, लाइक ये दोनों एक टीम बन जाएंगे। ये ऐसे तो इसको ये सब तरीके पता है रे, कि अगर उसका नेचुरल तरीका नहीं काम आता है किसी पे तो थोड़ी सी अलग जा सकती है। और इसके साथ पहले भी ऐसा ट्राई की हुई है, जब यू नो इसके साथ थोड़ी सी स्वीट अलग रहती है, फिर भी कंपैरेटिवली बाकियों को तो खड़ा भी नहीं रखती है वो सामने। ऑल्सो वो पढ़ा था क्या तुम लोगों ने, एके इसलिए नहीं आया क्योंकि इनिशियली ये बात थी कि वो आने वाला है, इसलिए स्टार्टिंग में जब तक शूट किया वो लोगों ने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बाद में उसका वो कमिटमेंट्स हाँ बहुत ज्यादा हाई थे और वो आई थिंक रमजान सीरीज और भी कर रहे थे, और भी सीरीज कर रहे थे, इसलिए उनके एंगेजमेंट करा दी और इनको मूव ऑन करा दिया। नहीं यार क्या मजेदार है, कुछ भी और कर देते हैं। ये नहीं दिखाना चाहिए था कि उसने फिर भी किसी और से शादी कर ली। हाँ। क्योंकि वो स्टोरी बंद एक एक कैरेक्टर पे वैसी ही हो रही है फिर। बट फिर वही ना, इसको मूव ऑन भी तो कराना था, वो तो बहुत ओपन एंडिंग हो जाता है। लेकिन नकली बातें दिखा देते हैं और सीधा कोई लाइक आई डोंट नो, स्टार्ट ऑफ द शो में ये लोगों को लगा होगा कि ठीक है वो आएगा, स्टार्टिंग में ऐसा ट्रैक दिखाते थे जहाँ पे मिस कर रही, पर उसके बाद तो क्या ही होता, मतलब आउट ऑफ नोवेयर वो गायब हो जाता, उसको कुछ तो एंड होना ही होता। और बेचारी रीना उसको भी डाल दिया उसने। ओके तो इट वॉज फन, आई थिंक स्टार्ट वाला पार्ट बहुत अमेजिंग था। उम्मीद ने सही कहा था फरजाद को कि जिस दिन मैं बदल गई ना उस दिन तुम मिस करोगे, दैट इज सो ट्रू, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उम्मीद नहीं थी, इसलिए तुमने क्या देखा, कितना सिंपल गया पूरा शो, एंड जैसे वापस वो स्टार्ट में आ गए, एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ गई ना भाई, क्या उसके ये वाले सीन्स बहुत अच्छे बहुत ज्यादा। अब फरजाद क्या करेगा, कुछ नहीं ऑडियंस सुनेगा नहीं उसको रोकने के लिए कनाडा से, मुझे लगा वो दादा से ही पाशा साहब का वो नहीं चालू करेगा। मुझे वही लगा कि वो लोग बात ही पाशा साहब पे कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन ठीक है हया के कंसर्न थोड़े अलग थे एंड ये अच्छा टर्न था, वरना मुझे लगा अब तो समीर जाने ही वाला है, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल दिक्कतें हो रही है एंड सब कुछ, मतलब एवरीथिंग मेक्स सेंस अभी जब वो सब बातें हो रही है, आई थिंक फरजाद इस चीज में घुस जाएगा तो बहुत इजीली ये चीज सॉर्ट हो जाएगी। इसका नाम क्या वलीद, वलीद भाई हम लोग ने सोचा नहीं होगा कि वो सेकेंड सीजन में भी आएगा फॉर एनीथिंग, बट वो आएगा पता नहीं लेकिन क्यों आया है, क्योंकि अभी तक तो उसका कोई ऐसा खास रोल नहीं दिखाया, आई थिंक वलीद और वलीद का कुछ वापस झगड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा मजा होना चाहिए। ये तो वैसे ही देख लेगी तो चढ़ जाएगी उस पर, वही तो वो तो देखते ही चढ़ जाएगी, चढ़ती गजब है यार लोगों, आई नो इतनी हाइट एंड वाले के उधर देखिए क्या दे रही थी उसको, मजा आ गया मजा आ गया, आई विश ऐसा ही ऐसा हमें भी आता देना, तो बस ऐसा ऐसा करती है तोड़ दे दिया उसको मुंह, बड़ी बड़ी आंखें कर एकदम चिल्लाती जाती है भाई, और वो जोश में तो इतनी रहती है जैसे अगर बीच में काउंटर नहीं होता तो सीधा उस पे एक आधा ऐसे 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 ले चुकी होती है वो कैसे देखते क्या होता आगे। यार फन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।